अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल समद, अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। आज मैं जहां पे आया हूं तो ये है जी मलेशिया का सिटी है पिनांग, और अभी मैं जहां खड़ा हूं वो पिनांग हिल्स है, जो पिनांग की मशहूर तरीन पहाड़ी है। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे है, और आपको मैं अभी इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी दोस्त कहते थे कि यार जहाँ भी जाओ वहाँ की वीडियो बनाओ ताकि हम लोग विज़िट कर सकें। तो अभी मैं पिनांग, इनकी बकायदा ट्रेन आती है ऊपर, रेल कार छोटी सी है दो, जो पहाड़ी के ऊपर आती है, तो उसी पे आया हूँ। तो अभी उसको भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी आपको मैं यहाँ से इसका सारा व्यू दिखाता हूँ। ये देखें जी, हम इस टाइम मैं तो बिल्कुल ऊँचाई पर खड़ा हूँ, ये आप नीचे देख रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, होटल वगैरह हर चीज़ है। तो वो आप दूर से तो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वो समुंदर नज़र आ रहा है, ये वो सारा समुंदर है पीछे, वो नीचे शहर है। शहर आप देख रहे हैं कितना दूर है और कितना नीचे है। तो कोई व्यू देखता हूँ जिसमें शहर भी पूरा नज़र आए। अभी आपको समुंदर नज़र आ रहा होगा दूर से, वो सारा समुंदर है। तो ये समुंदर के एक साइड पर सारा शहर बना हुआ है पिनांग, और उसकी पिनांग हिल्स मशहूर है। आप गूगल पे या कहीं भी सर्च करेंगे तो काफ़ी दुनिया में ये पॉपुलर प्लेस है टूरिस्ट के लिए। ये इस तरफ जाएं तो इस तरफ ये सामने मस्जिद बनी हुई है, ये सामने मस्जिद है। तो ये दिखा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल आप टॉप पे मैं आया हूँ, ये मस्जिद है, ठीक है जी। तो और ये टेम्पल बना हुआ है, ये टेम्पल बना हुआ है, आप देख रहे हैं। ये बच्चों का प्ले ग्राउंड है, इस एक तरफ हिंदुइज़्म का टेंपल है और दूसरी तरफ मुस्लिम्स के लिए हमारे लिए मस्जिद है, ठीक है जी। तो ये आपको मैं सारा अभी दिखाता जा रहा हूँ साथ साथ। अभी ऊपर और चलते हैं मस्जिद के पास, शायद वहाँ से व्यू अच्छा है। पिनांग हिल्स नाम है इस एरिए का। ये देखें जी, मैं ऊपर आ गया हूँ, ये मस्जिद बनाई हुई है ऊपर टॉप पे, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, ये देखें जी क्या कमाल का व्यू है। नीचे सारी ये जो हिल्स के ऊपर गैदरिंग है, होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वो देखें दूर सारा आपको शहर नज़र आएगा और समुंदर नज़र आएगा। समुंदर के दरमियान में ब्रिज है, ये आयरलैंड है एक्चुअली पिनांग। तो ये सारा ना एक आयरलैंड है जिसके जो समुंदर में से रास्ता जाता है, ज़्यादातर आयरलैंड पर फेरीज जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वो आप देख रहे हैं ब्रिज बना हुआ है, बाय रोड भी आप आ सकते हैं अगर आपके पास अपनी गाड़ी है। तो अभी अपनी गाड़ी में आया हूँ तो आप ये व्यू देख रहे हैं, दूर दूर सारा समुंदर आपको दिखा रहा हूँ और साथ शहर दिखा रहा हूँ। इस टाइम बहुत ऊंचाई पे हूँ, तो आप मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ख़ासतौर पर वो मेरे पाकिस्तानी और इंडियन भाई जो मलेशिया में रहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस है। फैमिली भी आके तकरीबन केएल से कुआलमपुर से 4 घंटे का रास्ता है, तो हमें तो आते आते 4.5 घंटे हो गए हैं। सुबह साढ़े आठ बजे पहुँचे हैं इधर, और तकरीबन 2:30 बजे हम निकले थे। तो अभी मैं पिनांग में ही हूँ, तो अब पिनांग हिल्स के ऊपर खड़ा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी वापसी भी ट्रेन पर ही करेंगे, वैसे तो सीढ़ियाँ भी हैं लेकिन मुश्किल हो जाएगा बच्चों के साथ। तो ये आपको सारा दिखा रहा हूँ, तो अभी एक दफ़ा दोबारा विज़िट करवा दूं आपको, व्यू दिखाऊं, और भी कहीं से कोई अच्छा व्यू मिला तो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि बहुत ऊंचाई है। अभी मैं हिल से थोड़ा सा नीचे आया हूं, यहां पे ये फेस्टिवल वगैरह होते हैं, सारे पिनांग में जितने फेस्टिवल होते हैं हिल्स के ऊपर, ये वो जगह बनी हुई है, सिटिंग का सारा इंतज़ाम है। यहाँ पर ग्रुप्स के ग्रुप्स आए हुए हैं दूर दूर से, बहुत ज़्यादा तादाद में से आते हैं यहाँ पर। वो एंड पे आप देख रहे हैं वो मस्जिद जहाँ मैं अभी गया हुआ था, तो अभी वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरा हूँ, क्योंकि बिल्कुल नीचे नहीं अभी जा सकते, इस पर ट्रेन पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। तो बच्चे साथ हैं, बच्चे ना होते तो फिर तो अकेला भी मैं जा सकता था। ये आप देख रहे हैं ये सारा एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी कुछ देखते हैं फूड स्टॉल लगे हुए हैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं सयाह सारे आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा रश है। कुआलमपुर से तकरीबन 4.5 घंटे का फासला है, वो भी अगर ट्रैफिक नहीं है तो।
क्योंकि हम तो सुबह सुबह आए हैं, आज रात को निकले थे 2:30 बजे, तो इसलिए ट्रैफिक नहीं थी उतनी। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जिसने आना हो रहने के लिए 2-3 दिन के लिए लोग आते हैं। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। इसमें कोई व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से भी व्यूज़ नज़र आ रहा है समुंदर का। वो देखें, सारा समुंदर है दूर दूर, क्योंकि ये सारा जंगल है और पहाड़ी इलाका है। अभी बड़ा ही कमाल का व्यू आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, तो कमाल व्यू वाली साइड मिली है। तो ये जिसने यहाँ पे आना हो, इस जगह पे आए, यहाँ पे आपको दिखाऊं कि दूरबीन्स भी लगी हुई हैं, इन्होंने लगाया हुआ है सारी, तो उस पर भी आप वैसे खड़े होके भी ये देखें जी, ये देखें वो दूर दूर तक फैला हुआ समुंदर, और बादल देखें। ये सारा नीचे शहर है, पिनांग शहर है सारा, नीचे आप देख रहे हैं ये सारा, दूर दूर तक आपको नज़र आएगा समुंदर और शहर। ये वो दरमियान में आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, उस ब्रिज पर से आना पड़ता है, तकरीबन 4 किलोमीटर का वो ब्रिज है, 11 किलोमीटर का, सॉरी, ये 11 किलोमीटर का वो ब्रिज है। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ दूर दूर तक सारा, ये सारी दूरबीन्स लगी हुई हैं जहाँ पे लोग देख रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ ये सारा, ये इन्होंने तकरीबन 10-15 टाइप की लगाई हुई हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं सारा। यहाँ से आप व्यू पूरे शहर का और समुंदर का नज़ारा कर सकते हैं, ठीक है जी। वो आपको लिखा भी नज़र आ रहा है पिनांग हिल स्टेशन, वो यहाँ से ट्रेन जाती है। हाँ जी, ये देखा है आपने, ये मेरे बैग पे भी आपको मैं सारा व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत आउट क्लास व्यू है इस जगह का, इस जगह पे ज़रूर आइएगा जो मलेशिया में है, आपको बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आएगी, क्योंकि बहुत ऊंचाई है। और अभी आपको एक दफ़ा और मैं व्यू दिखाऊँ, आगे जाएँ देखें क्या है। अभी हिल्स के ऊपर ही है, अभी नीचे नहीं जा रहा, वो सारा आपको दिखा रहा हूँ दोबारा। ये समुंदर है, ऊपर बादल देखें समुंदर के बिल्कुल करीब। ये पिनांग हिल्स का इलाका है, कुआलमपुर से 4.5 घंटे का फासला है, तकरीबन 450 किलोमीटर बनता है। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे सारा शहर है और समुंदर है। ये साथ साथ मैं चलता जा रहा हूँ, ये देखें, आपको सारा व्यू भी दिखाता जा रहा हूँ। दूर दूर तक देखें आपको पहाड़ियाँ नज़र आएंगी और समुंदर नज़र आएगा, दो ही चीज़ें हैं, समुंदर और पहाड़। ये देखें, बहुत आउट क्लास जगह है। ये अभी स्टेशन पे आ गया हूँ, पिनांग हिल स्टेशन है। आप गूगल पे सर्च करेंगे इसके सारी वीडियोस और आपको पिक्चर नज़र आएंगी। ये देखें, यहाँ पे आके व्यू बहुत आउट क्लास है। वो देखें, वो भी सारे, वो आप ब्रिज देख रहे हैं सेंटर में समुंदर के, उस ब्रिज से हम आए हैं, 11 किलोमीटर का ब्रिज है। तो अभी ये आपको दिखा रहा हूँ, ये हम हिल स्टेशन के अंदर आ रहे हैं। ये देखें जी, ये एक पॉइंट बनाया हुआ उन्होंने, जहाँ से आप और ज़्यादा आउट क्लास देख सकते हैं व्यू सारा। ये देखें, ये सारे लोग फॉरेनर वगैरह आए हुए हैं सयाह, तो आप देख रहे हैं। तो अभी आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये सारा पॉइंट बना हुआ है स्पेशल, ये देखें, ये आपको मैं सारा पॉइंट दिखा रहा हूँ। ये देखें क्या ज़बरदस्त व्यू है, दूर दूर तक आप देख रहे हैं सारा पहाड़ जी। तो हम ऊपर हिल से वापस आ गए हैं पहाड़ से, ये ट्रेन जो आप पीछे देख रहे हैं इसी पे मैं वापस आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है, ये छोटी सी वीडियो बनाई थी पिनांग की, अभी और किसी प्लेस पे जाता हूँ पिनांग में ही, तो फिर आपको उसकी वीडियो बनाता हूँ। ये था जी पिनांग हिल्स का आपको मैंने वीडियो दिखाई, जो बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में तकरीबन। ये ट्रेन जो मेरे पीछे खड़ी है, ये जाती भी है और यही ट्रेन वापस भी आती है। तो ये था जी पिनांग हिल स्टेशन,
मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो दूंगा पिनांग की ही किसी अच्छी सी प्लेस की। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।